हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए कुछ तेज रफ्तार खबरें देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। कहा, आज का भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, वही देश सुरक्षित जो मुकाबला करने में सक्षम। जैसलमेर में टैंक पर सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक फौजी की तरह टैंक पर नजर आए पीएम। उसके बाद मोदी जवानों से मिले और मिठाइयां बांटकर जवानों को दीपावली की बधाई दी। पीएम मोदी ने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद पर बहादुर फौजियों का हौसला बढ़ाया। एलओसी से एलएसी तक दुश्मनों को दिया कड़ा संदेश। देश की सरहद की तरफ आग उठाने वालों को हमारे जवान देंगे करारा जवाब। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश ढुवाल को आज सुबह 9 बजे श्रीनगर के बीएसएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में दीपावली से एक दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में राकेश ढुवाल शहीद हो गए थे। सीजफायर के दौरान हुई गोलीबारी में एक मोर्टार राकेश के सिर पर आकर लगी थी। खबर मिलते ही परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। शहीद राकेश ढुवाल के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित पैतृक घर आज भेजा जाएगा। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। खुद आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने भारत पर लगाए झूठे आरोप। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में शहीद हुए जवान ऋषिकेश रामचंद्र जोंदड़े का आज पैतृक गांव पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले थे जोंदड़े। मराठा लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। गुरेज सेक्टर में ही शहीद हुए थे सेना के जवान नायक भूषण रामेश्वरराव सतई। मराठा लाइट इन्फेंट्री में थी तैनाती। परिवार को पार्थिव शरीर का इंतजार। उरी सेक्टर में शहीद हुए गनर सुबोध घोष के पार्थिव शरीर का उनके गांव में इंतजार। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के तेहत्ता के रहने वाले थे। उरी सेक्टर में ही शहीद हुए थे भारतीय सेना के हवलदार हरदन चंद्र राय। असम के धुबरी जिले के रहने वाले थे। परिवार को पार्थिव शरीर का इंतजार। पुंछ में फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने लाइव बम को डिफ्यूज किया। एलओसी पर फायरिंग को लेकर भारत सख्त। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। बार बार सीज फायर तोड़ने पर जताया कड़ा विरोध। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी से घायल कई आम नागरिकों की हालत अब भी गंभीर। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में 4 आम नागरिक मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में अस्पताल ने एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार किया। महिला ने अस्पताल के गेट के बाहर बच्ची को जन्म दिया। दिल्ली में बैन के बाद भी देर रात तक चले पटाखे। लोगों ने खुलेआम उड़ाई एनजीटी के नियमों की धज्जियां। 1000 के करीब पहुंचा कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में गंभीर स्थिति में पहुंची हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में 479, द्वारका में 430, आईटीओ में 449, चांदनी चौक में 414 और लोधी रोड में हुआ 389 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के पालम में खुलेआम जलाए गए पटाखे। लगातार होती रही आतिशबाजी। सड़कों पर पटाखे का कचरा भी दिखा। पालम का एक्यूआई लेवल 428 के पार पहुंचा। दिल्ली के पांडव नगर में भी प्रतिबंध के बावजूद खूब चले पटाखे। चारों तरफ छाई धुंध। एक्यूआई का स्तर 500 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7340 नए कोरोना के केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 7117 मरीज ठीक हुए। 96 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते अमित शाह से कोरोना की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की मांग को लेकर हो सकती है बात। त्योहारों पर भीड़ से बड़े कोरोना के मामले। फिर से बढ़ते मामलों ने डॉक्टर्स की चिंता बढ़ाई। लोग नहीं करवा रहे अपना टेस्ट। रोहतक पीजीआई में कोरोना के मामले बढ़ने से हड़कंप। 5 दिन में 40 लोगों की मौत से हो चुकी है। वैक्सीन का ट्रायल कर रही टीम ने माना कोरोना की दूसरी लहर शुरू। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव के सफल आयोजन के बाद अयोध्या की गलियां गुलजार। अयोध्या में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ और इस बार 6 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। जयपुर में इस बार प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाई गई।
कार्टीज की तरफ से कार के ऊपर 1100 दिए जलाए गए, पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली पर पूरा शहर बिजली की रंगीन रोशनी में नहा उठा, कोरोना और प्रदूषण से बचाने के लिए इस साल पटाखे कम फोड़े गए। वाराणसी में एक दिया देश के बहादुर सैनिकों के नाम पर जलाया गया, जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। दिल्ली में चोर दरवाजे से पटाखा बेचने पर पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने दिया बयान, कहा खुलेआम पटाखे बेचने की जानकारी नहीं, मामले को दिल्ली सरकार और पुलिस का अधिकार बताया। कोरोना के बढ़ते मामलों से मुंबई के लोगों ने लिया सबक, मरीन ड्राइव पर नहीं दिखी आतिशबाजी, मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर पटाखा जलाने पर बैन। ममता बनर्जी के घर हुआ काली पूजा का आयोजन, पिछले 40 साल से बंगाल में सीएम आवास पर काली पूजा का आयोजन की परंपरा है। शिमला में बिगड़ी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तबियत, सांस लेने में तकलीफ के बाद डॉक्टर्स ने की जांच, आईजीएमसी के प्रिंसिपल रजनीश पठानिया का बयान, सीएम खट्टर की हालत में सुधार। बिहार चुनाव नतीजों के बाद आज पहली बार होगी एनडीए के विधायक दल की बैठक, दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी बैठक। बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा गठबंधन दल का नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार का सीएम बनना तय। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक होगी, बीजेपी दफ्तर में सुबह 10:30 बजे बीजेपी के विधायक बैठक करेंगे। बीजेपी चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी जबकि सहयोगी जेडीयू को मिली थी केवल 43 सीटें। महाराष्ट्र में कल फिर से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, कोरोना महामारी की वजह से बंद थे सभी धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों पर 2 गज की दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। काफी समय से हिंदूवादी संगठन और साधु संत मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे। धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत देने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए, कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए किया गया फैसला। घाटी में शुरू हुई बर्फबारी, कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से गिरा इलाके का पारा, 0 से नीचे पहुंचा गुलमर्ग का तापमान। लद्दाख के कई हिस्सों में शुरू हुई जोरदार बर्फबारी, करगिल, जोजिला और द्रास में सड़कों पर बिछी बर्फ, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 1D को एहतियातन बंद कर रखा। कश्मीर के शोपियां में भी शुरू हुई जोरदार बर्फबारी, बर्फबारी के बाद इलाके का तापमान लुढ़का, घरों में कैद हुए लोग। कश्मीर के जोजिला, गुरेज और सोनमर्ग में भी हुई सीजन की पहली जोरदार बर्फबारी, गुलमर्ग घाटी बर्फ से ढकी। दक्षिण भारत के कई इलाकों में आज बारिश का अनुमान, तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में हो सकती है बारिश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, रायलसीमा और लक्षद्वीप के भी 1-2 हिस्सों में बारिश का अनुमान। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश, बारिश के बाद सुधर सकती है दिल्ली की हवा। झारखंड का स्थापना दिवस आज 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना था, बाबूलाल मरांडी बने थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासियों की गृहभूमि माना जाता है झारखंड। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, गोरखनाथ धाम में सुबह 11 बजे आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करेंगे, अगरबत्ती मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनेगी, इसके बाद जाएंगे केदार घाटी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद होंगे। सीएम योगी और त्रिवेंद्र रात आज केदारनाथ में ही रहेंगे, कल 16 नवंबर को केदारनाथ धाम का कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ जाएंगे। आज उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट पूजा पाठ के बाद दोपहर 12:15 बजे बंद हो जाएंगे, चारों धामों में एक है गंगोत्री धाम। यूपी के मथुरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। बिहार के छपरा में हथियारों से लैस बदमाशों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 77,000 रूपये लूटे। मुंबई के भाईखला इलाके में स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पाया, भारी जानमाल का नहीं हुआ नुकसान।
आज होगा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग का अंतिम संस्कार। आज उनका पार्थिव शरीर मुंबई से भोपाल लाया जाएगा। बीजेपी नेता कैलाश सारंग का मुंबई में इलाज के दौरान निधन हुआ था। सितंबर में बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 85 साल के थे कैलाश सारंग। पीएम मोदी ने कैलाश सारंग के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने संवेदनशील और परिश्रमी नेता के तौर पर उन्हें याद किया। सीएम शिवराज ने भी जताया दुख। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दर्दनाक सड़क हादसा। तारली नदी के पुल से एक मिनी बस लगभग 50 फुट नीचे खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिनेता मनोज वाजपेयी की हास्य फिल्म सूरज पर मंगल भारी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख ने भी भूमिकाएं निभाई हैं। ब्रिटिश और भारतीय कलाकारों को लेकर बना छठ गीत आज होगा रिलीज। ये गीत आज लंदन में रिलीज होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा इस बार सात समुद्र पार ब्रिटेन तक पहुंच गई। दीपावली के मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म राम सेतु का फर्स्ट लुक रिलीज किया। फिल्म को बताया श्रीराम की पुण्य स्मृतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास। सिद्धांत चतुर्वेदी की दिवाली पार्टी में नजर आई दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे। सफेद रंग के शरारे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी दीपिका पादुकोण। अमेरिकी चुनाव नतीजों के बाद वॉशिंगटन में सड़क पर उतरे ट्रंप समर्थक, प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक बढ़े। प्रदर्शन के दौरान सड़क किनारे पुलिस भी मौजूद रही। समर्थकों ने ट्रंप के समर्थन में नारे लगाए और तख्तियां लहराई। समर्थकों ने अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। ट्रंप के समर्थन में हुई रैली, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां उड़ती हुई दिखी। कई लोग बिना मास्क के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। समर्थकों का दावा, एक बार फिर बनेगी ट्रंप की सरकार। ट्रंप ने भी अमेरिकी चुनाव में हार मानने से इनकार किया है।